अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम CNS फार्माकोलॉजी के अंदर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है एंटी साइकोसिस। ये बहुत ही शॉर्ट सा चैप्टर है बुक के अंदर, इसको बहुत ज्यादा रिपीट करके लिखा हुआ है। सो आज हम वो सारी चीजें देखेंगे और आपको बताऊंगी कि कैसे आपने सिर्फ इसको एक पेज का चैप्टर बनाना है। सो आज जो चैप्टर हमने पढ़ना है वो है एंटी साइकोटिक, ठीक है, एंटी साइकोटिक। अब ये जो साइकोटिक है ये क्या है, ये मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है। अब इस मेंटल इलनेस को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, या तो पेशेंट को साइकोसिस होगी, ठीक है, या पेशेंट को साइकोसिस होगी या पेशेंट को न्यूरोसिस होगी। अब मेजर जो डिफरेंस है साइकोसिस और न्यूरोसिस में वो रियलिटी को लेके है, ठीक है। ये जो साइकोसिस का पेशेंट है ये रियलिटी को तस्लीम नहीं करता, ये इस बात से अवेयर नहीं होता कि ये बीमार है। अब वो इस बात से ना तो इस बात को जानता है और ना ही फिर इस बात को मानता है कि मैं बीमार हूं, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। नहीं, वो कहता है नहीं मैं तो बीमार नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तो ये जो साइकोसिस का पेशेंट है ये रियलिटी से बड़े दूर होते हैं, इलनेस के बारे में अवेयर नहीं होते, उसको मानने और जानने को तैयार नहीं होते। जबकि न्यूरोटिक जो पेशेंट है ये अगर इनको कोई भी बीमारी है, कोई मेंटल इलनेस है, तो ये उसको तस्लीम करते हैं और उसको प्रिवेंट भी करते हैं और उसके लिए बड़ा अच्छी तरह ट्रीटमेंट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ, न्यूरोसिस में एक बीमारी आती है फोबियाज, ठीक है। अब फोबियाज डिफरेंट तरह के होते हैं, कुछ लोगों को हाइट फोबिया होता है, कुछ लोगों को वाटर फोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। तो उनको इस बात का पता है, वो आपको खुद बताएंगे कि मुझे हाइट फोबिया है, मैंने ऊंचाई पर नहीं जाना, या मुझे वाटर फोबिया है, हाइड्रोफोबिया है, मैंने पानी के करीब नहीं जाना। सेम एज ये इस बात को मानते भी हैं और इसको प्रिवेंट करने की कोशिश भी करते हैं। देन इसमें आ जाता है एक जनरल एंजाइटिक डिसऑर्डर, वो इस बात से भी अवेयर होते हैं कि हमें एंजाइटिक डिसऑर्डर है, इसके लिए प्रॉपर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जब रिक्वायर्ड है वो ले रहे होंगे। ब्यूलीमिया होता है जो कि हमारे पास एक डाइट डिसऑर्डर है, या पोस्ट ट्रोमेटिक सिंड्रोम, यानी उनके साथ कोई ट्रोमा हुआ लाइफ में, किसी की डेथ हुई या किसी की डेथ उन्होंने अपने सामने देख ली, कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो ये चीज उनके दिमाग में बैठ गई है। अब नेक्स्ट टाइम वो कोई भी ऐसी चीज देखते हैं तो दोबारा से उनको वो अटैक आ जाता है और वो साइन और सिम्टम्स उस तरह के अपीयर होते हैं, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ को वॉमिट शुरू हो जाती है। तो ये सारी बीमारियां न्यूरोसिस में आती हैं और ये पेशेंट इसके बारे में अवेयर होता है, जबकि साइकोटिक पेशेंट जो है वो रियलिटी को तस्लीम नहीं करता। अब हमारा जो मेजर फोकस है आज वो साइकोसिस है। साइकोसिस में जो इलनेसेस हैं, मेंटल इलनेसेस हैं, हम इनको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक मेजर साइकोटिक इलनेस होती है और दूसरी मूड रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं, मूड रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं। जो मेजर साइकोटिक इलनेस है इनमें हमारे पास आ जाती है शिज़ोफ्रेनिया, हमने आज इसको ट्रीट करना है, इसका ट्रीटमेंट देखना है। शिज़ोफ्रेनिया क्या है, ये मेजर साइकोटिक इलनेस है, पेशेंट रियलिटी से दूर होगा, इसकी थॉट डिस्टर्बेंस होगी, बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन डिल्यूजन होंगी। हेलुसिनेशन से क्या मुराद है, मतलब इसको लगेगा कि कोई सामने से आ रहा है, कोई मुझे मारने लगा है, चीखे सुनाई देंगी, इस तरह की कंप्लेंट्स, ठीक है। सो ये मेजर थॉट डिसऑर्डर है जिसमें हेलुसिनेशन डिल्यूजन आती है और ये बड़ा स्वेयर होता है और इसका ट्रीटमेंट अभी हम देखेंगे। मूड डिसऑर्डर को हम फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, या तो बच्चों उसका मूड बहुत ज्यादा एलिविएट होगा और वो पेशेंट बहुत ज्यादा क्या होगा, एग्रेसिव होगा, या उसका मूड डिप्रेस होगा और वो डिप्रेसेंट होगा, या इन दोनों का मिक्सचर होगा। इन दोनों का जब मिक्सचर है तो उसे हम बोलते हैं मैनिक इलनेस या बायपोलर डिसऑर्डर। हमारे जो साबिक सदर जरदारी है वो भी इस बायपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट है। इसमें क्या होता है कि आप पेशेंट को समझ नहीं सकते, एकदम वो इतना एग्रेसिव हो जाएगा और दूसरे ही टाइम वो इतना काम सा और सहमा सा डरा सा हो जाएगा, ठीक है। यानी एकदम उसका दिल करेगा मैं सबको काट दूं, मार दूं, घर छोड़ के चला जाऊं और अगले मिनट में वो सब पे अपनी जान निछावर। तो ये मैनिक डिसऑर्डर है, बायपोलर इलनेस है, मूड डिसऑर्डर है। इसको ट्रीट करने के लिए हम लिथियम देते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे जो शिज़ोफ्रेनिया है, जो साइकोटिक डिसऑर्डर है, ये हो क्यों रहा है, पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है, फिर हम देखेंगे कि हम इसको ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास कैटजन के अंदर बताया है कि जो साइकोसिस है ये इस वजह से हो रही है शायद कि डोपामीन की बहुत ज्यादा एक्सीड हो गई है, डोपामीन बहुत ज्यादा हो गया। अब आप एक बात आपने याद रखनी है कि डोपामीन के लेवल अगर नॉर्मल है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर डोपामीन के लेवल ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, साइकोसिस, और डोपामीन के लेवल कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पार्किंसन। इसका मतलब है पार्किंसन और साइकोसिस का ट्रीटमेंट एक दूसरे के बिल्कुल ओपोजिट है। साइकोसिस में हम इन्हीं डोपामीन को किसी न किसी तरह कम करने की कोशिश करेंगे, पार्किंसन में हम डोपामीन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो एक बात हमें समझ आ गई कि साइकोसिस जो है
इसकी मेन रीजन क्या है? इसकी मेन रीजन ये है कि डोपामीन जो है, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो बहुत ज्यादा ज्यादा हुआ हुआ है, इनहिबिशन कर रहा है, इसलिए मेंटल इलनेस, थॉट डिस्टर्बेंस कर रहा है, हेलुसिनेशन कॉज कर रहा है। अब हमने अगर ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी इसके लिए डिजाइन करनी है तो हमने ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से डिजाइन करनी होगी कि हम डोपामीन को क्या कर सकें, कम कर सकें, डोपामीन के इफेक्ट को कम कर सकें। ये हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है। अब इस ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए हम दो तरह की ड्रग्स यूज करते हैं, ठीक है? वो दो तरह की ड्रग्स हमारे पास कौन सी है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। टिपिकल को हम फर्स्ट जनरेशन ड्रग बी कहते हैं और एटिपिकल को हम सेकंड जनरेशन ड्रग कहते हैं। बेसिक आपको इस चैप्टर में से जो आना चाहिए वो इन दोनों का डिफरेंस है। यहां से क्वेश्चन पिक होगा, बाकी वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। सो अब मैं आपको बताती हूं कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। हम बात कर रहे हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की, जिन्हें यूज करके हम साइकोटिक पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। और ट्रीट करने से क्या मुराद है हमारी? हम उसमें डोपामीन के लेवल को या डोपामीन के इफेक्ट को कम करेंगे, ठीक है? ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हमने दो तरह से डिवाइड कर दी। एक आ गई हमारे पास टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और दूसरी आ गई एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। जैसे मैंने कहा कि टिपिकल को हम फर्स्ट जनरेशन और एटिपिकल को हम सेकंड जनरेशन ड्रग कहते हैं। मेन डिफरेंस इनमें एक बताती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। सबसे बड़ी बात, इनको हम टिपिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिलेक्टिवली सिर्फ D2 डोपामीन के जो रिसेप्टर हैं, वो पांच तरह के होते हैं, D1 से लेकर D5 तक। ये स्पेशली D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, ये स्पेशली D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, उनके साथ कम्पीट करती हैं डोपामीन के साथ, खुद D2 पे लग जाती हैं और यूं डोपामीन के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। जबकि जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं, ये D2, D4, D1 सिरोटानीन के रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं। उसके अलावा ये अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं, ये मस्क्यूरैनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं, हिस्टामिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं। स्पेशली इनके अंदर ड्रग है क्लोनाजीपीन। क्लोनाजीपीन जो है वो बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट रखती है। क्यों एडवर्स इफेक्ट रखती है? क्योंकि वो मल्टीपल रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। जाहिर है जब अल्फा ब्लॉक होंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगी, बहुत सीवियर हाइपोटेंशन। मस्क्यूरैनिक रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट आएंगे, यानी ड्राइनेस होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, यूरिनरी रिटेंशन, ये सारी चीजें होनी है। हिस्टामिन ब्लॉक होंगे तो हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हिस्टामिन वेजो डायलेटर है और ब्रोंकियोल्स के अंदर ये कंस्ट्रक्टर है, तो वहां भी डायलेशन, तो बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट आएंगे। सो टिपिकल और एटिपिकल में सबसे पहला डिफरेंस आ गया कि टिपिकल सिर्फ D2 को ब्लॉक करते हैं और एटिपिकल ना सिर्फ D2, D4 बल्कि सेरोटोनिन और साथ कुछ अल्फा मस्क्यूरैनिक और हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब पहले बात करते हैं इसके अंदर ड्रग्स की, फिर इनके और डिफरेंसेस मैं आपको बताती हूँ। आपको इस चैप्टर में सिर्फ वो आने चाहिए। इसके अंदर ड्रग्स आ जाती हैं दो तरह की, ठीक है? लिपमैन को फॉलो कर रही हूँ मैं। वो कहता है इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो हाइपरटेंसी की भी हो सकती हैं, लोपरटेंसी की भी हो सकती हैं। हाइपरटेंसी की जो ड्रग्स होंगी वो बहुत सीवियर एडवर्स इफेक्ट कॉज करेंगी। इसमें याद रख लो, हाइपरटेंसी से हेलोपेरिडॉल, ठीक है, हेलोपेरिडॉल, ड्रोपेरिडॉल आती है इसमें, हेलोपेरिडॉल, ड्रोपेरिडॉल और हमारे पास फ्लूफिनाजाइन, ठीक है, फ्लूफिनाजाइन। सो आप बुक से इनको देख सकते हैं। अब क्योंकि ये हाईली पोटेंट है तो इनके जो एडवर्स इफेक्ट कॉज करने की एबिलिटी है वो भी ज्यादा होगी। सेकंड पे हमारे पास आ जाती है लो पोटेंसी वाली ड्रग। लो पोटेंसी वाली ड्रग थोड़ी सेफर होंगी और इनको हम यूज कर सकते हैं। इनके अंदर आती है क्लोरोप्रोमाजीन, क्लोरोप्रोमाजीन और उसके अलावा थायोट्राइडाजीन, ठीक है, थायोट्राइडाजीन। तो ये आप लोग जो है वो लिपिन से देख लीजिएगा। सो ये हाईली पोटेंट है, मोस्ट एडवर्स इफेक्ट कॉज करेंगी, ये लेस एडवर्स इफेक्ट कॉज करेंगी। अब बात आ जाती है एटिपिकल ड्रग्स की। तो एटिपिकल ड्रग्स में हमारे पास ऐसी ड्रग्स आ जाएंगी जिनके एंड पे क्या आ रहा होगा, या तो इनके एंड पे पीन आता होगा या इनके एंड पे पेरिडोन आता होगा, ठीक है, या डोन आता होगा। तो पीन और डोन इनके एंड पे आता होगा, जैसे कि क्लोजापीन, ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास है ओलंजापीन, देन हमारे पास क्या आ जाएगी क्विंटापीन, तो इनके एंड पे क्या आता जाएगा, पीन पीन आता जाएगा, फिर एसनेजापीन या जोटिपीन, ठीक है। तो अगर आपको ड्रग का नाम दे देना, उन्होंने एक पास पेपर में क्वेश्चन दिया था, उसमें डॉन वाली ड्रग लिखी हुई थी और पूछा होता है कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, कहां से बिलोंग करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ, तो आपको पता होगा कहां से बिलोंग करती है, तो फिर आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख सकते हो। सो इसकी दूसरी जो ड्रग्स है उनमें डॉन आता होगा, जैसे कि रेस्पेरिडॉन, ठीक है, उसके अलावा पेलीपेरिडॉन, वही पेरिडॉन, उसके बाद हमारे पास फ्लूपेरिडॉन, जीप्रेसिडॉन और क्यूराडिट
क्यूराडॉन, ठीक है, डिफरेंट तरह की जो है वो इसके अंदर ड्रग्स आ जाएंगी जिनके एंड पे डॉन भी आता होगा और पाइन भी आता होगा, सो आपने देख लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें और डिफरेंस क्या है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये टिपिकल है, ये एटिपिकल है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, डी टू ब्लॉकर, डी टू के साथ साथ सिरोटानिन, अल्फा मस्कुरैनिक, हिस्टामिनिक ब्लॉकर, हाईली पोटेंट, लेस पोटेंट, हेलोपेरिडोल, रोपेरिडोल वगैरह आ जाती है और इसके अंदर पीन और डॉन वाली ड्रग्स आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको आपको इनका खूबसूरत सा डिफरेंस दिखवाती हूँ।